हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चौली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम लहसुन का तड़का लगाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चले शुरू करें। इसके लिए हमें चाहिए ये दो गट्ठा है चौली का, जिसे मैंने कट करके साफ पानी में धो लिया है और अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। लहसुन, लाल मिर्च और करी पत्ता, ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है जिसमें भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल के डाल दिया है। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही लहसुन की कलियां डालें, 8-10 कलियां यूज़ की है मैंने। पूरी तरह से ब्राउन हो जाए जब तक उसे सॉटे करते रहें, फिर रेड चिली करी पत्ता ऐड कर दें। तेल बहुत ही गर्म है, गैस को सिम में रख कर चौली की भाजी ऐड कर देते हैं। बस एक ही बार बीच में से चलाएंगे और उसे ढक देंगे जल्दी से, ताकि लहसुन का जो अरोमा है वो बाहर ना जाए, भाजी में ही मिल जाए। और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे मीडियम आंच पे। अब चेक कर लेते हैं। भाजी ने पानी छोड़ दिया है। यहाँ पर हम इसमें सॉल्ट मिला देंगे, 1 छोटा चम्मच सॉल्ट है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इसे तेज़ आंच पे अच्छी तरह चलाते रहिए जब तक इसका पानी सूख नहीं जाए। फैला फैला कर इसे चलाइए, पानी बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। इसे हम यूं ही 2-3 मिनट तक थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, थोड़ा गैप दे दे के, 2-2 सेकंड का, 3-3 सेकंड का गैप दे के चलाते रहेंगे। पूरा पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाना चाहिए, जैसे कि तेल छूटना चाहिए, भाजी में से तेल निकलने लगे, इतना भूनिए। बस ऐसा लगता है कि अब भाजी तैयार ही हो गई है, पानी पूरी तरह सूख गया है। बस अब और आधा मिनट चलाकर गैस ऑफ कर देंगे। भाजी तैयार हो चुकी है, देखिए पानी ज़रा भी नहीं है, ऑयल नज़र आ रहा है। लहसुनी भाजी चौली की तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे मूंग की खिचड़ी या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।